जो 20,000 रुपए का आरोप था लड़की बेचने का, वो इन्होंने बेबुनियाद और झूठा बताया है। मैं इनका भी यकीन नहीं कर रहा, उनके पति हैं, सास है, गांव के कुछ लड़कों से मैंने बातचीत की है, वो यही कह रहे हैं कि पहली बार इसी लड़की की शादी कराई थी, बाकी तो इसके अलावा कोई शादी इन्होंने किसी अनजान लड़की की नहीं कराई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात के गांव ग्वालदा में। दरअसल जो मैटर आपने सुना था मेरे अरशद बिसरू ऑफिशियल चैनल पर जो चल रहा है, जिसमें एक आरजू नाम की लड़की लूना कला गांव की बहू है, वो आरोप लगाते कि परमीन ने उनको 20,000 रुपये में बेचा था, उसकी सच्चाई जानने के लिए दोस्तों आज हम ग्वालदा गाँव पहुँचे हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको परवीन से रूबरू कराने वाला हूँ। परवीन की जहां तक हमने जांच पड़ताल की है वो ये है, देखिए इनकी जो अंदर की भावनाएं, इनकी जो अंदर की चीजें हैं वो हमें नहीं पता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने उसको भी देखा और इनको भी देखा आके, तो ये एक फैमिली वाली महिला है, इनके पति भी साथ में बैठे हैं, इनकी सास भी है और ये आसपास के थोड़े ग्रामीण भी हैं, इनके चारों पांचों बच्चे भी हैं, तो इससे पता चलता है कि ये अपना घर चला रही है। और वो जो आरजू है वो अपना घर बसा ही नहीं पा रही है वहाँ पर, इतनी अच्छी थी तो फिर वो महाराष्ट्र से हरियाणा क्यों आई, आना नहीं चाहिए था उसको, ये बात तो सही है। लेकिन परवीन के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए वो हम जानेंगे। तो आपने 25,000 रुपये से बात ख़त्म की थी कि 25,000 रुपये वो कह रही कि 25,000 रुपये परवेज ने मेरे से लिए थे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दुराई उस लड़की से, जो तुमसे लिया तो प्रूफ दियो। मैंने उस लड़का से लड़ाई भी कर दी और लड़का ने यही बात बोला ना, पर भी मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने खुद उसको दिया पैसा, ठीक है, जब हम अलवर में मिल चुके हैं जब ही पैसा हमने दिया, लेकिन लड़की ने नहीं दिया। अगर लड़की ने पैसा दिया हुआ तो उस पर तो कोई जी, तो कोई तो होंगी सिक्री शॉट, कुछ भी तो होंगी, अगर वो लड़का पैसा डाली तो। चलिए तो परवीन अब आपको मेरे दो तीन सवालों का जवाब देना है। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप तो उसने ये लगाया कि आपने उसको लुहिंगा कला गाँव के जो मूडी वास वाले आपके साथ रिश्तेदार है उनको 20,000 रुपए लेके बेचा है, इसमें कितनी सच्चाई वो आप बताइए मुझे। सरासर झूठ है, ठीक है। वो लड़की मेरे पे आके नहीं, मेरे पास आके मेरा आगे रोई थी, मेरे पापा भी नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं, बहन भी नहीं, भाई भी नहीं है, ठीक है। आपने मदद तो की थी, मैंने उसकी मदद करी है, वो भी वीडियो मेरे पास पड़ी है, जो मदद करी जिस टाइम की, ठीक है, वो भी वीडियो पड़ी है, मैं वो भी प्रूफ दूंगी। और दूसरी बात, शादी कराई थी, निकाह हुआ था उनका? हाँ बिल्कुल हुआ, निकाह कागज भी है मेरे पास। दादी आप बताइए, हाँ, ये आपके लड़का के घर से है ना? हाँ मेरे लड़का घर से है। चलिए, ये 20,000 का मामला है, 20,000 लिए थे क्या इसने उससे? नहीं, मुझे कुछ पता ना बेटा। आपको नहीं पता? ना, मुझे कुछ पता ना, निकाह हुआ हो इनको निकाह करो इन मौलवी साहब ने, और भाई मुँह पे चलो ना जावे, हेलो ना चलो जा, अबर मैं तो हिंद सुनी रही जी। इनका वह भी हंगा जो गवार है माँ उनका, ठीक है, हाँ, और कागज भी हिंगा, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह हुआ था, हाँ चले ठीक है। लेकिन आपकी हाँ, जो बहू है ये, हाँ, ये घर में किस तरह से रहती है? खूब ठीक रहे, खूब अच्छी तरह, जैसे वो आरोप लगा रही थी तो लड़कियों को लाती है ना, बिल्कुल ना, ये अड़ोसी पड़ोसी सुन रहा सारा, कोई ना लाए का ये भी, लड़की कोई नहीं आती, कोई नहीं आती, लड़की आप आइए बेटा, अब या के गेड़ा ने सु या कोई शादी कर दी या की दया आ गई, अपना घर से लगाया रुपया और याले सिंगार का सबका। तो दोस्तों, ये परवीन की सास है और बुजुर्ग महिला है बेचारी, वो लफ्जों से पता लग रहा सच बोल रही है, वो कह रही कि लड़की उड़की कोई नहीं आती यहाँ पे, बाकी ये कि वो आई थी खुद चल के, तो इसलिए उसकी मदद के तौर पे वो बता रही कि मैं इकलौती हूँ, इसलिए उनकी शादी करा दी थी इन्होंने। तो जैसे वो कह रही कि परवीन जो है वो बिहार की बता रही थी आपको, परवीन बिहार से? नहीं, तो मैं बिहार की, ठीक है, कहाँ की हो? मैं आसाम की। अच्छा, तो वो कह रही जब मैं घर से आई थी 5,00,000 रुपए था मेरे खाते में। अच्छा, फिर कहाँ गए हैं वो 5,00,000? मेरे 5,00,000 रुपए इधर उधर ऐसे ही ले लिया, कभी किसी ने लिया कभी किसी ने लिया। अच्छा, आपके बारे में उसने ये कहा था कि परवीन ने मेरे से ये कहा था कि आप मेरे आदमी को गाड़ी दिलवा दो इन पैसों से, आपने कहा था उससे? हमने नहीं किया,
सरासर झूठ है, जितनी भी बोल रही सरासर झूठ है। हमारे पड़ोस में दुकानदार है वो उनकी फोन पे डलवावे कोई लड़का पैसे 100 रुपया 50 रुपया 150 रुपया वो गुटखा खाती थी, उनकी गुटखा खाना की तरफ सुई उसने खर्चा मंगा दी थी। ठीक है, ऐसे कुछ भी अगर 5 लाख रुपया उसके खाता में होती तो किसी और पे क्यों रुपया मांगती हूँ? हैं, अगर मेरे खाता में 5 लाख रुपया मैं किसी के घर में क्यों जाऊँगी और क्यों मैं किसी और पे पैसा मांगूंगी, ये बताइए पहले तो। अच्छा, आपने उसकी शादी करा दी? हाँ, मैंने। और रिश्तेदार भी आप लोगों का ही है? हाँ। फिर अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अब दिक्कत तो वो जानते हैं, अब हुआ बात तो हमने नहीं पता, अब वो घर नहीं बसा रही, अब हमने क्या पता। और जो अदगी बन रही ना, अगर मेरे वीडियो दिया करी हो ना, बिना निकाह के अलवर में 10 दिन रह का ही साबिर नाम के लड़का के, ठीक है, वो भी प्रूफ मेरे पास है और कहे तो मैं उन भी जाके पड़ोसी सारी गवाही दिवाऊंगी जिसके घर में रह के आई हूँ। मेरे पास फोन करके नहीं, मैंने बस झूठा ही नुके दी, आ जाओ तो आ गई। ठीक है, साबिर का नाम लिया है, साबिर के पास जो रही थी आपके पास उसके बाद में आई थी कि आप यहाँ आने के बाद में वहाँ गई थी? पहले आई थी वहाँ, आप ही बता रही थी, खुद बता रही हूँ। ठीक है, नुसाबिर नाम के लड़का उसके घर में रही मैं 10 दिन, वो कर दी लड़ाई उनसे जो उनकी परिवार वाला जी। मतलब सास लगती है, कुछ भी लगती है, आप सास ही मान लियो, निकाह होया ना होया उसके मुँह कोई जानकारी नहीं। ठीक है, आप ही बता रही थी जो साबिर नाम के लड़का उसके घर में ही 10 दिन रह के आई थी। ठीक है, वहाँ से लड़ाई करके जब मेरे घर पर आई, मेरा आगे रोई, मैं तुम्हारी तरह मैं भी एक घर बसाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से लड़का ढूंढ के मेरे शादी करवा दियो। तो मैंने अच्छा लड़का ढूंढ के मैंने इसको शादी करवा दी, मेरे ही रिश्तेदार ही हुआ। चलिए ठीक है, ये जो वीडियो बनाती है वो वीडियो बनाना आपने सिखाया था कि पहले से ही बनाती थी? पहले से ही बनाती थी, जब मेरे पास आई 1000 फॉलोअर थी उसके जी। ठीक है, फिर मेरे पास आई, मेरे पास वो वीडियो भी बनाई, मेरे साथ में 2-4 वीडियो बनाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सपोर्ट करी, खुद सपोर्ट करी। तो दोस्तों, परवीन का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने केवल एक लावारिस जैसे होता है ना कोई बच्चा, उसकी तरह उस लड़की की इसने मदद की थी, 5-7 दिन यहाँ पे रखा था, फिर मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार गरीब समझ करके उनकी शादी लुहिया कला गांव के मूढ़ीबास में साकिर के साथ इन्होंने निकाह करा दिया था। कुछ दिन वो वहाँ आराम से रहते, उसके बाद में दिक्कतें उनके बीच में आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और अब वो इनके खिलाफ भी बयानबाजी कर रही है। जहाँ तक बात यह है कि ये इन्होंने उसको बेका है, तो ये इस बात का खंडन कर रहे हैं कि मैंने उसको नहीं बेका बल्कि मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनकी शादी कराई थी। यही कहना है आपका? कोई आलू बैगन तो है नहीं है जो मैं उसको भीग देती। ठीक है, यूँ आलू की तरह बन रही, मतलब सारा छोरान के साथ सेट होना चाह रही हूँ, ऐसे थोड़ी होती है। तो मतलब ठीक है, अब ये कोई आलू बैगन है ना जो किसी खरीद लेगा, कोई भी खरीद लेगा, इतनी अच्छी तो है नहीं। मैंने इससे बढ़िया अच्छा लड़का ढूंढ के मैंने शादी करवाई है। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का जो मैंने ढूंढी है, शायद होगी उससे भी उम्र कम होएगी उसको तो लड़का। ठीक है जी, तो जो आरोप लगा रही ना, कुछ भी आरोप ना, मेरे पास सारी प्रूफ है, कोई ऐसी नहीं है। और मैं तो ये चाहती हूँ ऑन कैमरा में मेरे प्रूफ दिखाई जाए। ठीक, आप अब क्या चाहते हैं कि वो उस घर को बसाए या वो तो भागने के लिए तैयार है वहाँ से, तो क्या करे? कि शादी बिचौला है ना उसका, तो बिचौला सदा मदा की थोड़ी ना रहती है सर। तीन दिन के रहता है बस सदा मदा की, अगर मुझसे बन के रहती मैं सदा मदा उसकी बहन की तरह साथ देती। अब जब मेरी करती कर रही सोशल मीडिया पे सब तरह की मुझे बदनाम करी गई, तो मैं उसकी जिम्मेदार थोड़ी ना होंगी अब भी। हाँ, तो आप क्या बनना चाहती हैं? अब मेरे लिए चाहे वो हुआ मारे चाहे वो न मारे, कोई लेना देने नहीं है। ठीक है, वो तो मैटर क्लोज हो गया, आपने बोल दिया कि मैंने उसको नहीं देखा। नहीं देखा मैंने तो। ठीक है, अगर बेकती तो मैं हिंदू लू बेक सकी, मैं बूढ़ा लू भी बेक सकूँ। ठीक है, अगर मुझे बेकना ही होती तो हिंदू लू भी दे सकूँ, बूढ़ा लू भी दे सकूँ। आपने अच्छा काम करा था, उसकी शादी कराई थी। इससे पहले कितनी शादी कराई थी आपने? कोई शादी वादी नहीं करवाई मैंने, किसी से पूछ लेना मेरे पड़ोसी से। ठीक है, मैंने कोई शादी किसी के नहीं करवाया, सरासर झूठ है। ठीक है, अगर मैं ऐसी होती तो मैं यहाँ पर शायद नहीं भी रहती। ठीक है, और मैं छोटी सी आई है गाँव में, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी घर बसा के बैठी हूँ। ठीक है, छोटी सी कैसे आई है गाँव, कौन लाया था आपको?
यही लाए बहा के, कोई ऐसे थोड़ी भगा के लाए, बहा के लाए। छोटी सी आई, 12-13 साल की आई, हमारे सास से पूछ लियो, अगर मैं भी इतनी ऊँ होती तो वो शायद आज घर ना बसाती। ठीक, चलो ठीक है। काम करती हो? बस कुछ भी नहीं, जो घर को काम होती वही करती, और जो सोशल मीडिया पर काम कर रही। हाँ, सोशल मीडिया पे ही काम कर रही फिलहाल तो। आपका परिवार नाराज नहीं रहता आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी तरफ से आपकी इजाजत है। हाँ बिल्कुल। कितना फॉलोअर आपके इंस्टा पे? तो 20,000 जी, और एक फेसबुक के पेज पे वो है 15,000, एक पे 9,000। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो ये मसला आया था, लिहिंगा कला गांव का एक मूडी बास है जहाँ पर अर्जु नाम की एक लड़की है जो अपने आप को आलिमा भी बताती है, और वो कहती है कि मुझे अलवर में किसी लड़के ने बुलाया था असलम सिंगर के नाम पर, 25,000 रुपये ठगे थे उन्होंने ऑनलाइन। उसके बाद उसकी माँ एक्सीडेंट में मर जाती है, वो भटक भटका के अलवर आ जाती है। अलवर का जो लड़का था या साई चोखा का लड़का था, मुस्तफ़ा नाम को बता रही थी वो, उनसे कोई शायद आपका कोई कॉन्टेक्ट था। वो लड़की जैसे तैसे करके टपुकड़ा आ जाती है, फिर आपके घर पे वो कुछ दिन रहती है, और फिर आप उनकी शादी करा देती हैं लिहिंगा कला गाँव में। लेकिन शादी जब आपने कराई तो वो कहती है कि 20,000 रुपये उन्होंने लिए थे। सरासर झूठ है, ये लड़की मेरी इंस्टाग्राम फ्रेंड है, ठीक है, इंस्टाग्राम फ्रेंड बनी है पहले जी। फिर इसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाई है, मैंने भी 2-4 दिन बात करी, बहुत अच्छी सी बात करी। दोनों की, आप बिहार से हो? नहीं, मैं आसाम की हूँ, ना ही मैं बिहार की। आप आसाम की हो? हाँ। वो महाराष्ट्र की? हाँ। तो दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी? इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई हमारी। तो ये दोस्ती शादी से पहले हुई थी कि बाद में? शादी से पहले। मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है? नहीं, बस इसने बोले नो परवीन कहाँ की हूँ तुम, तुम्हारी जो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपकी शादी को 12 साल हो गए? हाँ। तो 12 साल पहले इससे दोस्ती हुई थी आपकी? नहीं, अब हुई इसकी। इसकी शादी से पहले हुई थी? इसकी शादी से पहले दोस्ती हुई। शुरुआत बताइए कैसे हुई थी। तो इसने मुझसे बात करी, नो आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगे, और आपसे मिलना, तुम आ जाओ हमारे घर पे आ जाओ मिलने के लिए। मैंने कही मेरे 4 बच्चे, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, ठीक नो, तुम्हें इतनी मन कर रही है तो तुम आ जाओ मेरे घर पे मिल जाना। इसने बोली नो ठीक है, मैं आ जाऊँ, मैं अलवर में हूँ, दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें मिलना तो आ जाओ। तो ये दूसरे दिन मेरे घर पे चली आई, बस इतनी कही मैंने, तो जब तुम्हें मन कर रही मुझसे मिलने के लिए, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम ही आ जाओ, बस इतनी बात हुई मेरी। ये दूसरे दिन टपुकड़ा आके फोन करी मुझे डायरेक्ट। अच्छा। पर भी मैं टपुकड़ा में आ गई। अच्छा। तो आई हूँ रात को, लेकिन रात को मैं लेन लू नहीं गई थी मैं। कहाँ रुकी थी? ये चली गई, कहाँ चली गई हमें नहीं पता है इस बात की। दूसरे दिन फिर आई। आपकी फ्रेंड थी तो आप लेने क्यों नहीं गई, रिसीव क्यों नहीं किया आपने उसको? तो मैं रात को कैसे जाती, 2 बजे फोन करे, 2 बजे मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ उसको लेने के लिए, कि थी मोटरसाइकिल पकड़ लिए, कुछ भी हो सके रास्ता में, तो वह बखात है। अच्छा। मैं कैसे जा सकती हूँ उस टाइम, तो मैं नहीं गई। तो नहीं गई, फिर ये दूसरे दिन आ गई कोई 11-12 बजे, तो मैं इसको लेकर आई बाजार से, ठीक है, टपुकड़ा से मैं लेकर आई, लेकर आई मेरे घर पे रही हूँ, बहुत अच्छी सी रही है। ये रही थी करीब 12-13 दिन तो रही थी मेरे घर पे, ठीक है। फिर इसने मुझे हकीकत बताया, वो बता रही थी कि मैं 4 दिन रही थी, ये बता रही नहीं, यहाँ पड़ोसी भी सब पतो कितने दिन रही मेरे घर पे, ठीक है, और मैं सारी प्रूफ के साथ दे सकती हूँ। अच्छा। तो ये मेरे घर पे रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने किसी पे मतलब 100 रुपये डलवाना, किसी पे 200 रुपये डलवाना, ठीक है, फोन से कोई लड़का से लड़कों को फोन मिलाती थी। हाँ, दिन में बात करती थी, और जो हम बात करते कि बाहर की थे, कुछ पता मुझे कुछ पता नहीं है, वो रुपया डलवाती थी, लड़कान से बात करती थी दिन भर, फिर ये बोल देती मैं परवीन के घर आई, ठीक है, फिर ये चली गई मेरे पास से, चली गई तो कोई बात नहीं, मैं बाजार तक इसको करके भी आई, करके ही चली गई। फिर यू जब दोबारा लुटी है मेरे पास, दोबारा लौट के आई, इसने बोली मेरे कोई नहीं तुम्हारा अलग। अच्छा। तुम ये सब कुछ नहीं, तो मेरे भाई है, नहीं बहन है, नहीं माँ है, ना बाप है। अच्छा। कोई नहीं मेरा तेरे सेवा। अच्छा। तो मुझे बताओ, जहाँ भी जाऊँ मेरी इज्जत पे धक्का लगे, जहाँ भी जाऊँ मेरी इज्जत लुटे दुनिया, कोई नहीं मेरे साथ। अब फिर हाँ, वो लड़की कहती थी मेरे पामन पे रोई थी, ठीक है, और वो मतलब इतनी वो करी मेरे आगे, इतनी रोती थी, मैं बोल रही मैं
कहा ही करूँ तुम्हारे लिए। इसने बताया ये चोखा को लड़का है, क्या नाम है? परवेज नाम है। मैंने इससे पूछी, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, ठीक है। उसने 25,000 रुपये मुझसे डलवा ली। मैंने इससे पूछी है कोई प्रूफ तो होगी, तो मैंने किसी पे कोई एटीएम से, वो तो करी होगी, कोई गूगल पे फोन पे कुछ भी तो करी होगी, वहाँ की प्रूफ दियो, हम वह 25,000 आपको दिवा देंगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।